हेलो गाइस, सब बढ़िया क्या? इधर बाल बहुत बढ़ चुके हैं यार, दाढ़ी वाड़ी बाल वाल है ना। और आपने कहा डेली ब्लॉग चाहिए, तो आज जा रहा हूँ बार्बर के पास और कटवाता हूँ बाल और दाढ़ी सब। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा यार, आपने जब डेली ब्लॉग्स मांगे हैं तो, है ना, सहना तो पड़ेगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको बार्बर के शॉप पे। भैया आपको पता है हम यूट्यूबर हैं। और जब भी हम बाल कटवाते हैं तो कमेंट आता है कि कहाँ से बाल कटवाए हो। तो इनका नाम है पवन भैया और इनसे मैं बाल कटवाता हूँ गाइस। मैं एड्रेस वेड्रेस दे दूंगा, अगर आप चाहते हो तो आप भी आके यहाँ पे सैलून में आके आप बाल कटवा सकते हो। बहुत बढ़िया काटते हैं और मेरा अभी बाल काटने वाला है, तो आप देख लेना कैसा काट रहे हैं, है ना। और काटने से पहले पूछ लेते हैं फिर काटते हैं, ठीक है। हमें छापरी हमें छापरी बाल तो सही काटे हैं। अब घर की ओर प्रस्थान करते हैं और मम्मी का रिएक्शन लेते हैं। गाइस बाल कटवा तो लिया बहुत हीरो वाला, बट मम्मी घर में घुसने देगी कि नहीं पता नहीं, बहुत टेंशन है भाई, बाल कटवाने पे भी टेंशन है। तो मम्मी को लेके आया हूँ बाहर क्योंकि धूप आ रही है और फेस दोनों का अच्छा आएगा। तो कैसा लग रहा है बाल मेरा? हाँ बहुत अच्छा एकदम, मैं क्या बोले तुमको, एकदम छोटा छोटा नहीं कर सकता है। अरे छोटा ही है, बाल को लग रहा है कि कुछ काटा ही नहीं, कांची मतलब छुआ ही नहीं। अरे नहीं, वो जस्ट कल गया बैठा सैलून पे और आ गया है, वाह ये क्या है? अरे नहीं वो ऐसा वैसा नहीं लगता है क्या? नहाएंगे तो वो चल जाएगा। देखो गाइस, मैंने बाल तो कटवा लिया, अब इसका सबसे बड़ा जो डीमेरिट है वो है अब नहाना पड़ेगा। और इतने ठंड में नहाना मतलब सुसाइड करना। और मम्मी ने प्रेशर देके बाल कटवाने भेजा और बाल कटवा के आया तो फिर मुझे डांटा भी, है ना भाई। ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि अगर हम नहाए नहीं भी फिर भी चलेगा, ऐसा कुछ मैं इन्वेंट करता हूँ यार, ठीक है। आप साथ देना, मैं इन्वेंट करता हूँ, टेंशन मत लेना आप। फिर उसे शार्क टैंक में लेके जाएंगे और उसके लिए फंड इकट्ठा करेंगे गाइस, है ना। कुछ तो करूँगा मैं यार, इस चीज़ का मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है इस चीज़ के लिए। तो बहुत ज़्यादा अभी आके और मिलेगा भाई, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस, बाय।